morning, Salam, kal ha viewers. मैं कंट्री नंबर 41 के साथ आपके साथ हाजिर हूँ. इस वक्त मैं हूँ सोफिया. कितना खूबसूरत नाम है, सोफिया बुल्गारिया में. बुल्गारिया बाल्कन्स का एक मुल्क है. एक तरफ इसके तुर्की है, एक तरफ रोमानिया है, एक तरफ नॉर्थ मैकडोनिया और ग्रीस है. इस वक्त स्नो पड़ रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है. तो चलें बात चल के स्नो को क्यों ना देखें. वाह, चेक करें जरा. जबरदस्त किस्म की स्नो पड़ी है बाहर. फ्रेश स्नो, माय गॉड, बहुत ही जबरदस्त, अमेजिंग. मैं रात को यहाँ पे पहुंचा तकरीबन कोई 4 बजे और उस वक्त से स्नो हो रही है और अभी तक इसी तरह से ही स्नो हो रही है. बुल्गारिया सीरीज आपने देखनी है पूरी, स्नो से भरी होगी. स्नो किंगडम की हम सैर करेंगे. तो कीप ऑन वॉचिंग, फॉलो मी तलहा. बुल्गारिया में इस वक्त स्नो हो रही है लेकिन फिर भी जो जिंदगी के काम है वो रवां हैं. तो मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं गाड़ियाँ भी चल रही हैं, ट्रैम भी चल रही है, लोग भी आ जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर. उसके साथ स्नोफॉल भी हो रही है. ये देखें जरा, ट्रैम जा रही है. यहाँ करीब में ही एक चर्च है, बहुत फेमस इनका, बहुत बड़ा सा. तो इस वक्त मैं वहाँ जा रहा हूँ. तो चलें आप भी मेरे साथ उस चर्च पे चलें. मेरे सामने सोफिया का जो फेमस ट्रिनिटी चर्च है वो आ चुका है. काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग है और स्नो में और भी अच्छा लग रहा है. देखें अपनी गाड़ी से स्नो को हटा रहे हैं बाबा और बाबी जी. गाड़ियों पे रात को पूरी स्नो होती रही है जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो है स्नो में बिल्कुल कवर्ड हैं. तो ये सामने आ गया है जी बुल्गारिया का फेमस चर्च. ये है जी बुल्गारिया का फेमस होली ट्रिनिटी चर्च. बर्फबारी में हर चीज सफेद हो चुकी है थोड़ी रात बर्फ पड़ने की वजह से. और देखिए ये जो ट्रक है ये आइस क्लीनिंग वाला ट्रक है, ये भी आ चुके हैं, रोड को साफ कर रहे हैं. ये सर सब एक पार्क थी, यहाँ पे बहुत खूबसूरत से मुजस्मे थे लेकिन बर्फ की वजह से हर चीज जो है वो बर्फ में ढप चुकी है.
Safed Majestic. बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेदर है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है बर्फ़ में, लेकिन जो बर्फ़ की फील है वो बहुत ही अमेजिंग है। यह जी बल्गेरिया की सुल्तान पासा मॉस्क। बल्गेरिया जो है वो काफ़ी अरसे तक सुल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉस्क हुआ करती थी, लेकिन अब ज़्यादातर मॉस्क को चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये एक मॉस्क जो है काफ़ी पुरानी मॉस्क है, अभी भी अपनी जगह पर ऐसे ही खड़ी है। ये मॉस्क के कबूतर भी उड़ रहे हैं, बर्फ़ भी है साथ में, सब कुछ एक वक्त में हो रहा है यहाँ पर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मॉस्क के अंदर भी जा सकूँ, लेकिन जो बर्फ़ का इस वक्त इन्वायरमेंट है, स्नो का, बहुत ज़बरदस्त है। -2 सेंटीग्रेड है टेम्परेचर इस वक्त सोफिया में। ये तो देखा होगा कि सूरज भी निकला होता है और बारिश भी हो रही होती है, लेकिन ये नहीं देखा होगा कि सूरज भी निकला हुआ है और साथ में स्नो भी पड़ रही है, आइस भी पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि सूरज जो है सामने निकला हुआ है और साथ में स्नो भी पड़ रही है। सुभान अल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त सीन है बल्गेरिया से, सूरज और बर्फबारी साथ साथ।